हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, धनतेरस का दिन का ब्लॉग है। जो मैं मार्केट गई थी, तो मैं मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं, एक बाबू के लिए बैलून ली थी और एक बाबू के लिए प्लेट ली थी, और फिर वो लेकर आज सजाने वाला कुछ सामान लेकर मैं चली आई थी। तो मैं वो सब आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए, दिवाली का ब्लॉग है। तो दिवाली के दिन पूजा करने के लिए मेरे हस्बैंड लाए थे, ये लड्डू लाए थे, और बूंदिया है, ये लावा है, फरी है, और दो कैंडल है, दो पैकेट, और ये चुक्का है जो इसमें भरा जाता है घर, जो हम लोग बोलते हैं घर रौंदा, और ये अथी है, गुल्लक है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते थे बचपन में, और ये बाबू के लिए पटाखा है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं बाबू को फिर तैयार करने लगी थी, और मेरा बाबू तैयार नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था, फिर भी मैं उसे तैयार कर दी थी, उसे कपड़ा पहना दी थी। और यहाँ पर थोड़ा ठंड बढ़ गया है, तो मैं उसे सब चीज़ सॉक सॉक सब पहना दी थी। और ये देखिए, मेरा बाबू तैयार होकर अब खेल रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार होने लगती हूँ। फिर तैयार होने के बाद मैं चली जाती हूँ, आप सबको पूरा घर का अथी दिखाती हूँ। तो देखिए, आप मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जाइएगा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, आप सबके पर ही मेरी अथी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखिए, मैं घर दिखा रही थी आप सबको। और ये देखिए, यहाँ पर मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी, और यहाँ पर मेरा बाबू हुमा जला रहा था। मैं पूजा नहीं की थी क्योंकि मैं भूखी नहीं थी, मैं खाना खा ली थी, मेरी सासू माँ भूखी थी, उनका वो फास्ट की हुई थी, फास्ट पर थी, तो वो पूजा कर ली थी। और ये देखिए, सुबह में जो मैं कपड़ा धोई थी वो सब अभी सूखा नहीं था, तो सब मैं बाहर ही छोड़ दी थी, और बहुत बाहर पटाखा छूट रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग दिया जला दिए थे। ये देखिए मेरा रूम कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने चली आई थी, तो देखिए मैं सेवई भून के और दूध में डाल दी थी, और सेवई मेरा बन चुका है। यहाँ पर मैं सब्जी बनाने लगी थी, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। तो सोयाबड़ी को पहले मैं उबाल ली थी, उबालने के बाद उसे मैं अच्छी तरह से पानी से निचोड़ के, उसके बाद मैं यहाँ पर सोयाबड़ी को फ्राई कर रही हूँ। और मैं सोयाबड़ी को फ्राई करके ही बनाती हूँ। और सोयाबड़ी को फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें तेल डालूँगी और प्याज डालूँगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका था, तो यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक और ये काली मिर्च, जीरा का पेस्ट डाली थी, और फिर लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर डाली थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और अच्छी तरह मैं इसे भून लूँगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तब तक मैं ये भुनेगा, तब तक मैं आटा लगाती हूँ इधर। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पर मसाला कितना अच्छी तरह से भुन गया है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं मसाला भून ली थी, आलू बॉईल करके मैं पहले से रखी हुई थी, तो मैं उसे डाल देती हूँ। मैं यहाँ आलू काटी नहीं थी, इसे बस फोड़ के मैं डाल दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काट के आलू डालते हैं तो उनको पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी तरह से डालती हूँ। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आलू डाल के इसे थोड़ी देर भून लूँगी। तो मेरी वीडियो थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, मेरा छोटा बाबू है वो मुझे छोड़ के रहता ही नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। और मैं नेट भी नहीं था,
तो मैं डलवाई हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड की थी तो वीडियो जाने में थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर मैं इसे भून लूँगी और फिर यहाँ पर सोया बड़ी डाल दूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस, तो मैं अपने होम टूर का वीडियो डालूँगी। देखिए गाइस यहाँ पर मैं सोया बड़ी भून के रखी हुई थी फ्राई करके, उसे भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, मिला देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी डालूँगी, तो मैं ज़्यादा रस वाली नहीं बनाई थी, थोड़ा ठीक ही रखी थी, क्योंकि पूरी के साथ खाना है तो ज़्यादा रस वाला अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं हल्का सा पानी डाल के और गरम मसाला डाल के थोड़ा देर में इसे पकने दूँगी। तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो देखिए गाइस मेरे सब्जी यहाँ पर भून गई है, मैं यहाँ पर पानी डाल देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैं पानी डाल दी थी और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर में इसे बॉयल होने दूँगी और फिर उसके बाद ये पक जाएगा। फिर मैं आटा लगा चुकी थी, तो उसके बाद फिर मैं दूसरी कढ़ाई में, देखिए यहाँ पर मैं आटा आप लोग को दिखा रही थी, लगा ली थी उसको और फिर मैं पूड़ियाँ तल ली थी। तो ये देखिए यह है हमारा आज का खाना, पूरी सेवई और ये प्रसाद वाला लड्डू और सब्जी। और यहाँ पर देखिए खाना पीना खाने के बाद बाबू मेरा पटाखा छोड़ा था, तो वो ज़्यादा पटाखा नहीं छोड़ा था, बस एक ही छोड़ा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।